वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनका एडिशन, उनका कन्वर्जन, फ्रैक्शन से उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो कन्वर्जन किया था। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को आपको किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है, इट कैन बी अ होल नंबर और इट कैन बी अनदर डेसिमल नंबर। आपके पास एक डेसिमल नंबर है, आप इसको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको और एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों के मेथड हम देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर। कोई भी नंबर ले लो आप, से 1.2, होल नंबर हमने ले लिया 8, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा एक सिंपल सा मेथड है, जब भी आपको कभी भी डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो होल नंबर हो या फिर दूसरा डेसिमल नंबर हो, पहले मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल को भूल जाओ। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 12 8 96, ठीक है, आंसर लिख दो पहले 96। फिलहाल भूल जाओ दैट यू हैव अ डेसिमल नंबर, राइट। तो डेसिमल को हमने भूल गया पहले, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कितने डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट, एक टू ही है ना खाली, यू हैव ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो आप राइट हैंड मोस्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, पीछे से लगाना है, आगे से नहीं लगाना, ठीक है। 13 × 9 कितना होता है? 1.3 होता है इसको। 1.3 × 9, 39 जा कितना होता है? इट्स 117। कुछ टेबल्स आपको आना चाहिए, ठीक है। अब पहले तो हमने डेसिमल भूल गए, डेसिमल भूलने के बाद सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट, राइट साइड से एक डिजिट काउंट करो, वन, पुट अ पॉइंट, दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर, ठीक है। और ले लो कोई एग्जांपल, आपके पास एक नंबर है 211.04 मल्टीप्लाई बाय, लेट मी टेक टू, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप चाहो तो राइट रफ वर्क में कर लो, 211 पॉइंट भूल जाओ, 04 मल्टीप्लाइड विद 2, 4 2 8, 2 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, आंसर कितना आ गया? 4 2 2 0 8। अब क्या करना है मुझे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? टू डिजिट्स, राइट हैंड साइड से टू डिजिट्स काउंट करो, 1 2 एंड पुट अ पॉइंट, सो दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू डू, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब यही चीज हम थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोलो या और इजी बोलो। अब डेसिमल नंबर ले लो, कोई भी डेसिमल नंबर, मैंने लिया 31.1, ठीक है। अब उसने बोला आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जैसा मेथड मैंने पहले सिखाया वही मेथड करो, पॉइंट को पहले भूल जाओ तो क्या आएगा, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है, एक जीरो आ जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हो 2 0 आ जाता है। तो हमने सबसे पहले इसको लिख लिया, राइट, यही आना चाहिए ना। अगर मैं इस पॉइंट को भूल जाऊं तो क्या आएगा, 3 1 1 0, ये तो आता है आपको बहुत अच्छे से। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं मेरे? एक डिजिट, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, दिस इज द आंसर, क्लियर। अरे समझ में, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सो इट इज 311.0, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद अगर सिर्फ जीरो है तो आप उसका ओमिट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 311। अब इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे ले लो, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम मेथड है मेरा, सबसे पहले 311, 20 है, 20 डाल दो, आंख बंद करके, कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद? एक डिजिट, तो पीछे से एक डिजिट काउंट करो एंड पुट अ डेसिमल नंबर, सो आंसर क्या आ गया, 3110, दिस इज माई आंसर। आ रहा समझ, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हो डेसिमल मेरा पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ था 10 आया तो मेरा डेसिमल एक प्लेस पीछे चला गया, राइट, यहाँ था यहाँ से यहाँ चला गया, 20 आए तो मेरा डेसिमल का क्या हो गया, एक ही डिजिट मेरे पास, अब यहाँ 0 डाल सकते हो ना अपनी मर्जी से, लास्ट में 0 कितने भी डाल सकते हैं, तो मेरा यहाँ था 2 0 तो मेरा डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है,
जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल उतना प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। और एग्जांपल ले लो, 3 1 2 5 6, ये आपका नंबर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। एक तो मैंने आपको सिखा दिया क्या है, 3 1 2 5 6 0, कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दिया है ना, 1 2 3 4 डिजिट्स काउंट किया, 31 पॉइंट। ये तो मेथड हो गया नॉर्मल वाला। अब आपको बड़े हो रहे हो ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करोगे, कितना जीरो है, 1 0, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 0, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट को शिफ्ट कर दो, 31.256। अब इसी नंबर को 3.1256 है, ये इसका पार्ट खत्म हो गया। इसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब मेरा डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, 3 जीरोस आगे शिफ्ट होगा। पॉइंट यहाँ है 1 2 3, यहाँ जाके बैठ जाएगा ये, सो इट इज 3125.6। बी वेरी केयरफुल टू शिफ्ट द डेसिमल्स बेटा, बहुत सिंपल है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर बड़ा होगा ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब ज्यादा होता जा रहा है। तो आप देखो ना, आपके पास नंबर क्या था पहले, 3.1256, अब नंबर ये आ गया, दोनों में कौन सा बड़ा है, डेसिमल के आगे होल नंबर, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें 3125, कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसमें ज्यादा प्लेस डिजिट्स है आपके डेसिमल से पहले, तो मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा हो जाता है। नंबर बड़ा हो रहा है मींस यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट हैंड साइड, कितना राइट साइड शिफ्ट करना है, जितना यहाँ पे जीरो होता है। मेरी रिकमेंडेशन है ये वीडियो जो है आप कम से कम 2-3 बार प्ले करके देखो इसको, बिकॉज अदरवाइज ये पॉइंट वीक हो जाता है। प्ले दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है, फिर ये डेसिमल पॉइंट सबका क्लियर हो जाएगा। दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब ऐसे ही और एक नंबर ले लो, अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए इसके बाद, होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आ गए। अब नेक्स्ट ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय, एक आपका डेसिमल नंबर है, दूसरा भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मान एग्जांपल के लिए पहले बहुत छोटा सा ले रही हूँ, 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना, वापस पहले वाला मेथड, मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल को भूल जाओ, मतलब आप रफ वर्क में क्या करोगे, 12 इंटू 12, 12 12 का कितना होता है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आप सबसे पहले 144 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट करो, जैसे हमने पहले मेथड भी किया था, वन डिजिट हियर, 1 + 1, 2 डिजिट्स राइट, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2 एंड पुट अ पॉइंट, इजी है। क्या किया हमने, और एग्जांपल ले लो, 2.5 × 0.3, ये फर्स्ट एग्जांपल, लेट मी टेक अनदर वन। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाए, 25 3 कितना होता है, 75 लिख दो। अब दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, डेसिमल काउंट करना है, 1 1 डेसिमल डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट, सो 1 एंड 2, 1 2, उसके आगे पॉइंट लगा दो, सो माई आंसर इज 0.75। हम जनरली इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम इसके आगे एक जीरो डाल देते हैं, मतलब होल नंबर इसका जीरो है, सो दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई देम, क्लियर। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर विल डू डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर्स।